बचे हुए 80 पे शायद पैसा नहीं देगा उस पे, ये तो पक्का पैसा नहीं देगा। तो हमेशा याद रहेगा पहला एफबीडी माइनस करने का, फिर बचे हुए डेटर्स पे यू क्रिएट अ रिजर्व। सो 24 माइनस इधर कुछ नहीं है डील है, तो 24 उस पे आई क्रिएट एनआरडीडी, तो इधर लिखने का लेस एनआरडीडी 5% 5% ऑफ 24,000 इज 1,200 एंड आउटर कॉलम यू विल गेट 22,800। नाउ कैन यू टेल मी वन थिंग, आर माय एक्चुअल डेटर्स 22,800 राइट नाउ और 24? 24. व्हाट आर माय एक्चुअल डेटर्स? 24. Have they told me they are not going to pay? No. I feel they will not pay. So my actual debtors are still 24 only. RDD is not a reduction. RDD is not an expense. RDD is a liability. Remember PNL to RDD. RDD is a liability. But instead of writing on the liability side, we are subtracting it from debt. क्यों ऐसा भाई? तो क्लियर पिक्चर आ जाए, कोई मेरा बुक्स देखे तो उसको झटका ना लगे कि इधर 24 है और आया हाथ में 22 है। बुक्स देख के उसको आइडिया आ जाए कि हाँ ये एक्चुअल डेटर है लेकिन हाथ में पैसा इतना आने का चांस है 22। समझा मतलब इसका? एक्चुअली डेटर्स है 24 लेकिन हाथ में पैसा आएगा अप्रोक्स 22,800, 1200 बैड डेट्स होने का चांस है। तो डॉट वाला इफेक्ट तभी का तभी देना, सेकेंड इफेक्ट हम लोग एंड में डॉट वाला देते जाओ। इन्वेस्टमेंट्स, व्हाट आर इन्वेस्टमेंट्स? एसेट्स, इज देयर एनी डॉट? नहीं है। इन्वेस्टमेंट में कोई डॉट नहीं, इंटरेस्ट पे डॉट। इन्वेस्टमेंट में देयर इज नो डॉट। कैश इन हैंड, व्हाट इज कैश इन हैंड? एसेट, एनी डॉट ऑन कैश इन हैंड? नो डॉट। आउटर कॉलम बैड डेट्स, नाउ बैड डेट्स में मैंने कोई डॉट नहीं करवाया, इफ यू रिमेम्बर। बैड डेट्स में डॉट करने का है तो करो, वरना मत करो। हर सम में फॉर्मूला लिखना ही है तुम, एवरी सम यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला ऑफ बैड डेट्स। व्हाट इज द फॉर्मूला? देखो, 2BD प्लस FBD प्लस NRDD माइनस ORD, 2BD प्लस FBD प्लस NRDD माइनस ORD, ओके? राइट दिस फॉर्मूला एंड कीप इन ऑल द सम्स। नाउ 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 टेल मी, इज देयर एनी बैड डेट इन द सम? 400, दिस बैड डेट्स आर 400। इसका मैंने डेटर में से माइनस नहीं किया 400, क्यों नहीं किया? ऑलरेडी रिकॉर्डेड, तो डेटर माइनस 24,400, उसमें से 400 ने मना किया पहले ही पैसा देने से, तो अभी हो गए 24। समझा मतलब? तो ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अच्छा, डू यू हैव एनी FBD? नो सर। फर्दर बैड डेट्स नहीं है। नील, NRDD है? 1200। कितने का है? 1200। ORDD है कुछ? अगर होता तो क्या दिखता? एडजस्टमेंट में की ट्रायल बैलेंस में की एडजस्टमेंट? ट्रायल बैलेंस। वाई? ओल्ड है, लास्ट ईयर का NRDD बिकम दिस ईयर का ORDD, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ऊपर से टपकेगा। याद है हम लोग ट्रायल बैलेंस करते थे, RDD आता था, कभी रट्टा मारने बोला था, डेटर का रिजर्व हैज गॉट क्रेडिट बैलेंस एंड क्रेडिटर का रिजर्व हैज गॉट डेबिट बैलेंस। रिमेम्बर, दैट इज दिस ORDD, ट्रायल बैलेंस में जो दिखता है। ओके, इस समय नील, इस समय नहीं, आगे वाले समय आएंगे तभी और क्लियर होगी। अच्छा, ये टोटल कितना आता है लॉस? 60। डू यू नो लॉजिकली हाउ दिस लॉस हैज अपीयर? ये लॉजिकली समझा सकते हो ये लॉस कैसे आया? ये 1600 का मतलब क्या है? चार सौ रुपया बैड डेट्स का, नेक्स्ट ईयर का रिजर्व अभी क्रिएट किया 1200, कुछ कुशन था लॉस अब्सॉर्ब करने का, टोटल लॉस 1600। अब ये NRDD 1200, नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाए? और नेक्स्ट ईयर के फॉर्मूला में से माइनस हो। इन्वेस्टमेंट बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, वेरी गुड, डिस्काउंट अलाउड, PNL डेबिट, एनी डॉट? नो। ओके, कैपिटल, कैपिटल
liability in our column. I think there is a dot on capital. What is the dot? 1000. Minus. Catherine ने goods personal use के लिए withdraw किया. I think that is drawings. तो यहाँ पे less goods withdrawn भी लिख सकते हो या simply drawings bracket में goods. Drawings bracket में goods. Simple. Okay. Instead of adding two drawings, I have directly subtracted from capital. नहीं वो अलग है, अलग से दिखाना पड़ेगा एडजस्टमेंट. कितना है वो? 1000. ये भी ड्रॉइंग्स है, वो भी ड्रॉइंग्स है, बट एक एडजस्टमेंट तो इन्फॉर्मेशन के लिए दिखा. रिकॉर्ड हो जाएगा तो साथ में आएगा. सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग क्रेडिट इनर कॉलम 125 माइनस 1 विल गिव यू 1,24,000 एंड पुश इट इन द आउटर कॉलम. Understood? Purchase return क्या करने का? तो less from purchase 2000. Now what is your outer column? 73,000. Bills payable where do you put? Bills payable are liabilities. Any dot? No dots. 5,700. Commission. Which commission is this? Paid or received? Same. How do you determine the side? Okay. D1 line for GP or GL. You'll have buy commission. Buy commission, that is how much? 1000 rupees. Then you have discount received. That is also an indirect income. Buy discount received. This is 1200. Interest also, it is credit wala, but I think there is a dot on interest. Yes. What is the dot you check? What is the dot on interest you check? 500 is due but not received. Matlab receivable. Add. Ye received hai. Uspe aur milna baki hai. Accrued. Accrual system follow kar rahe hum. So add outstanding interest. Interest receivable. कितना है? 500. आउटर कॉलम इट इज 900. चलेगा. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रिसीवेबल. फिर वो ऐसे पे चला जाएगा. अभी तरीका समझना सम करने का. एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट्स में नहीं दे रहा हूँ, मैं एक ही दे रहा हूँ अभी फिलहाल. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? दूसरा बाकी है. आई हैव गिवन जस्ट डॉट वाला. विल गिव. डोंट वरी. सो process of the sum is important. Pushti, your absentee. Process of the sum is very important. Dots wala effect tabhi ka tabhi dena. Dots jo item pe kiya tha na, plus minus. Ye dekho idhar minus. Maine ek ek hi diya. Actually debri ka dusra effect baki hai. Debri ka second effect is P&L. Debri. I have not given that. Debri. Dena hai. Main ek ek hi de raha hu. Dot wala hi de raha hu. To wahi structure se karna hai. Okay? So follow the same process. You won't miss out on anything. Guarantee. क्रेडिटर्स, वेर डू गुड क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स किधर जाएगा? लाइबिलिटी में 14,000. एनी डॉट ऑन क्रेडिटर्स? नो डॉट. बराबर है. अच्छा, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड द ट्रायल बैलेंस. नाउ अगेन यू हैव टू स्कैन थ्रू ऑल द एडजस्टमेंट्स. एकदम परफेक्ट. ओके, एवरी एडजस्टमेंट हैज गॉट हाउ मेनी इफेक्ट्स? टू. स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. स्टॉप 34,000. What are the two effects? TCS. Trading credit and assets. So last item. बड़ा जगह छोड़ के लिखने का. Buy closing stock. This is how much? 34,000. And what is the second effect? बताता हूँ. Buy closing stock 34,000. Second effect? Assets. Closing stock. कितना आएगा? 34,000. दोनों effects दे दिया. दोनों नहीं दिया था ना स्टार्टिंग. वी गेव बोथ द इफेक्ट्स. टिक इट अप. नाउ बोथ द इफेक्ट्स आर डन. टिक दैट एडजस्ट. ओके, देन यू सी डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीन. कैन यू सी दैट? क्या हमने कुछ इफेक्ट दिया है यहाँ पे चेक करने? एक दिया है, ये दिख रहा है हमने, लेस कर दिया है. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? पीएलडी बाकी है, तो इधर लिखो टू डेप्रिसिएशन बिल्डिंग
and machinery. बिल्डिंग एंड मशीनरी कितना है बिल्डिंग पे 200 और मशीनरी पे है 1700 बराबर है बिल्डिंग एंड मशीनरी 200 एंड 1700 तो 1900 इज योर टोटल एक्सपेंस नेक्स्ट रेंट ऑफ 200 एंड सैलरीज ऑफ नाउ बोथ द इफेक्ट्स आर डन ऑफ डेप्रिसिएशन अग्री टिकट आउट Rent of 200 and salaries of 500 were outstanding. Tell me the two effects of outstanding expense. Plus expense. Liability में outstanding salary. Plus expense है. अरे हमने वो दे दिया है. हाँ. ये दोनों. और इस लाइन में liability ये बाकी है. अभी दे दो. Outstanding salaries. Outstanding rent. Outstanding salaries how much? Outstanding salaries are 500 आउटस्टैंडिंग टर्म देख के कंफ्यूज मत होना आउटस्टैंडिंग इज अ कॉमन टर्म विच कैन बी यूज फॉर बोथ इनकम और एक्सपेंस इफ इट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इट्स अ लायबिलिटी देना बाकी है बट इफ इट इज आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब मिलना बाकी है विच इज एसेट तो इनकम रिसीवेबल बोलो या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फर्स्ट इफेक्ट इज एड टू इनकम सेकेंड इफेक्ट एसेट्स और लायबिलिटी 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड्स का स्टूडेंट्स आर स्टिल डूइंग दिस मिस्टेक आउटस्टैंडिंग देखा किसी का लाइब्रेरी है सर इसीलिए 11th इज इम्पोर्टेंट 11th में यू हैव टू बी कॉन्क्रीट टू क्लियर दोस 12th स्टैंडर्ड का थिंग्स ओके सो आउटस्टैंडिंग इज अ कॉमन टर्म आउटस्टैंडिंग इनकम है तो एसेट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो लाइब्रेरी तो आउटस्टैंडिंग इनकम सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखो या इंटरेस्ट रिसीवेबल लिखो इंटरेस्ट Receivable is what? 500 assets. बैठा दिमाग में. Provide reserve for doubtful debts at 5% on sundry debtors. NRDD. What are the two effects? One is less from debtors, and the second one I think is in the formula. Both the effects are done. हो गया ना पहले ही. Formula में डाल दिया. खुद भी बाकी है क्या? Both the effects are done. Anyone see that? Mila? Next. Goods of 1000 taken by Catherine for personal use but not recorded in the book. I think goods are withdrawn for personal use. One effect is your drawings. Right? What is the second effect? TC. Pata hai kyun? Purchase mein se less karne ke liye credit pe. To yahan dikhana hai gap choda hai. Buy goods withdrawn for Personal use. Buy goods withdrawn for personal use. 1000. ये closing stock जो है ये last item होना चाहिए आपके trading account का Compulsory. Compulsory. इसलिए हर बार मैं gap छोड़ता हूँ बीच में फिर remember. इसलिए ये सब चीजों के लिए आज जो हमने चार adjustments किए ना अभी आएंगे हर एक सब में Goods distributed as sample है Goods lost by fire है सबका टीसी 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 था रिमेम्बर हेलो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है सब कुछ बीच में आता है ओके इज दिस क्लियर पुष्टि जी तो फर्स्ट इफेक्ट इज योर सेकेंड इफेक्ट इज लेस फ्रॉम कैपिटल ओके डन एनी अदर इफेक्ट लेफ्ट बोथ द इफेक्ट्स डन लेट्स क्लोज डाउन ट्रेडिंग अकाउंट विच साइड इज ग्रेटर 159,000 टोटल इज 159 जीपी जीएल 56 टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी या बीडी सीडी ईशा सीडी कितना है व्हाट विल दिस जीपी सीडी बिकम बाय बाय
रीडिंग जहाँ खत्म होता है पीएनएल वहां शुरू होता है 56 बंद करना है पीएनएल बंद करना है पीएनएल 57 प्रॉफिट 59100 टू नेट प्रॉफिट ईशा सीडी के बीडी कितना आ रहा है 42,000 ट्रांसफर टू कैपिटल प्लीज कैलकुलेट मेरा टैली हो गया हाँ तो मेरा 6 7 7 7 8 6 8 9 2 9 10 9 11 9 12,800 आता है तो 59,100 में से 46,300 माइनस 59 अच्छा नफो जो नुकसान है तो मुड़ी बच से के घट से नेट प्रॉफिट कितना 46,300 मुड़ी बधी गई डबल जाए गई डबल डबल चालू करो 76,75,300 ओके टैली इज ऑन 95,700 बुद्ध साइड से वाले 95,700 Nothing for homework. Show me your book and then. Take sleep. Sir, is that the calculation? Kidar. No, man. Kidar. 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 माइनस टू माइनस है तो सुटा नेगेटिव